स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान विचार में एक बार फिर दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज के आधुनिक युग में हम यह मान चुके हैं कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही एक समान है। अगर दोनों को बराबर शिक्षा दी जाए तो लड़कियां भी लड़कों की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और खुद के साथ साथ अपने परिवार का भी सहारा बन सकती हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है और कम आमदनी वाले लोगों को यह समस्या कुछ ज्यादा परेशान करती है। वह हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि आखिर कैसे वो अपनी बच्ची को उच्च शिक्षा देंगे या फिर कैसे वो उसकी शादी का खर्च उठाएंगे। उनकी इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक कदम उठाया है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना SSY, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई यह एक छोटी बचत योजना है। इस योजना की दो खास बातें हैं। पहली, इस सुकन्या योजना के तहत मिलने वाला ब्याज काफी ज्यादा होता है। इसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी दूसरी स्कीम या बैंक की किसी भी RD FD से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। दूसरी खास बात यह है कि आपको टैक्स से भी छूट मिल जाती है। आपको इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता, जबकि आपकी FD या RD से 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट आने पर आपको उसके लिए देना होता है टैक्स। साथ ही जो पैसा आपके सुकन्या योजना में आपने इन्वेस्ट किया है, आप उसे इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत दिखाकर टैक्स में भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इसकी लिमिट 1,50,000 रुपए तक ही होगी। साथियों, अब बात करते हैं कि आखिर किसे मिलेगा इस योजना का फायदा। अगर आपके बेटे की उम्र 10 साल या उससे कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम 250 रुपए जमा करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में खोला जा सकता है। अकाउंट ओपन करने के बाद यह खाता बेटी के 21 साल होने पर या फिर 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए 50% रकम भी निकाली जा सकती है। स्कीम का बेनिफिट केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है, यानी अगर आपकी बेटी NRI है तब आप इस स्कीम के तहत उसका अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो आइए जानते हैं इस अकाउंट में आप पैसे कैसे जमा कर सकते हैं और कितने पैसे आपको जमा करने होंगे। अमाउंट जमा करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं, जैसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर चेक जमा कर सकते हैं, कैश या डिमांड ड्राफ्ट से भी आप अपने पैसे जमा करा सकते हैं। और अगर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको फैसिलिटी देता है तो आप e-ट्रांसफर के द्वारा भी अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत आप एक साल के लिए मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप एक साल में मिनिमम 250 रुपए भी जमा नहीं कराते तो आपको उस साल के लिए 50 रुपए की पेनल्टी के साथ कुल 300 रुपए जमा करवाकर अकाउंट को एक्टिवेट रखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में, यानी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिनकी जरूरत अकाउंट ओपन करते समय पड़ती है। पहला तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने का फॉर्म, जिसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं। दूसरा, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र और बच्ची की एक फोटो। तीसरा, बच्ची के माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। और साथ ही बच्ची के माता पिता या गार्जियन का एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल आदि। फॉर्म फिल करने के बाद उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना होगा। साथ ही अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम 250 रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद इजीली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन साथियों, ध्यान दीजिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप अधिकतम दो बेटियों के नाम से ही खाते खुलवा सकते हैं। अगर दूसरी बेटी के समय जुड़वा बेटी है तो तीसरा अकाउंट भी ओपन हो सकता है।
अगर किन्हीं कारणों से खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है और खाते में जमा पैसा बच्ची के पेरेंट्स को ब्याज सहित वापस मिल जाता है। याद रखिएगा, एक बच्ची के नाम से दो खाते नहीं खोले जा सकते। इस योजना के तहत खुला अकाउंट देश भर में कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता के शिफ्ट होने का प्रूफ दिखाना होता है। ऐसा ना करने पर पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपए की फीस भरकर आप अपना खाता ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथियों, आज हमने जानकारी दी SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर बाजार के जोखिमों से दूर रहना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में गिरते इंटरेस्ट से परेशान हैं, या आपकी आमदनी कम है लेकिन आप अपनी बच्ची के भविष्य के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये योजना आपको लाभ जरूर देगी। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपने इस YouTube चैनल ज्ञान विचार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपा पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।